तो दोस्तों हमने फिशेज अभी तक डिसेंड नहीं की, तो विशाल भाई को भी उसके टैंक में एक अच्छा सा फ्लोरन ऐड करना है, जो कि ये वाला फ्लोरन हमें ज़्यादा ही अच्छा लगा। ठीक है ना विशाल, ये अच्छा है यार, उसका पैटर्न भी देखिए यार, उसका हेड भी देखिए यार, इतना छोटा सा है तभी भी इतना बड़ा हेड है, और ये बड़ा होगा तो उसका हेड कितना बड़ा होगा यार। मैं फिक्स कर दे रहा हूँ। हाँ, ये तो ये वाला जो फ्लोरन है हमने डन कर दिया है, क्योंकि इसका जो शेप है ना भाई बाकी फ्लोरन के मुकाबले बहुत अच्छा है। और इसका कलर भी देखो यार, पीछे से ब्लू है और आगे से थोड़ा रेड कलर है, तो एक यूनिक कलर आ रहा है भाई। ठीक है, तो और ये एक्टिव भी बहुत ज़्यादा है भाई, ये देखो भाई। तो ये हमने फिक्स कर दिया, विशाल डन ना फिर। ओके डन, फिर हमारे विशाल भाई का तो एक फ्लोरन डन हो गया। और मैंने लिए भाई यहाँ पे छोटे साइज के रेड टेल कैटफिश, इसमें दो साइज है, एक बहुत छोटी साइज है और एक मीडियम साइज है, जो कि हम ले रहे हैं भाई हमारे सेटअप के लिए मीडियम साइज। ठीक है, ये तीन पीस ले रहा हूँ दोस्तों मैं, तो चलो इसको पैक कर दो भाई। तुम्हारा नाम क्या है? सत्या। ओके, तो गाइस ये हो रही भाई हमारी अभी रेड टेल कैटफिश, जो कि हमने मीडियम साइज ली है भाई। ठीक है ना, वाइस देखो यार, बहुत ज्यादा एक्टिव है यार ये। ये देखो भाई जब ये पैकिंग हो रही है, आप सेकंड जो मॉन्स्टर है दोस्तों, तो ये होने वाला है भाई, ये वाला मॉन्स्टर है। ये देखो गाइस, ये भी मैं ले रहा हूँ भाई हमारे सेटअप के लिए, ये भी मैं तीन पीस ले रहा हूँ। ठीक है ना, काफी ज्यादा बड़े होते हैं भाई ये। ओए भाई ये देखो भाई, एक्टिव देखो यार। अभी हमारे सेकंड वाले जो मॉन्स्टर फिश है, जो कि है भाई अरवाना फिश, जो कि अभी अंकल उनको निकाल रहे हैं बाहर, और अंकल अभी बहुत दूर जाना है, इसे पैकिंग करो अच्छे से। ये वाला निकालो भैया, ये आगे पीछे कौन सा वाला सामने, ये देखिए देखिए वाला, ये वाला निकालो। फर्स्ट टाइम परचेस कर रहा हूँ हमारे सेटअप के लिए, और ये काफी ज्यादा एक्टिव है यार। हेलो, ये देखो, और ये काफी बड़े भी होते हैं भाई। ठीक है ना, 10 फीट से भी ज्यादा लंबे होते हैं, इसे मुझे भाई बोल रहे होगी ना, वही निकालो निकालो। ये अपने फार्म में ही ब्रीड होती है, बाहर से। चलो गाइस हमारी ये पहली वाली हो गई, ये वाला निकालो। हाँ, ये अभी सेकंड वाली हो गई दोस्तों। हाँ निकालो उसको, ओए जबरदस्त भाई, बहुत ज्यादा एक्टिव है यार। ये हमारी आ गई दोस्तों थर्ड वाली। तो गाइस हमारे विशाल भाई ने ये वाला फ्लोरन सिलेक्ट किया था, जो कि अभी हम इसको पैक कर रहे हैं। काफी यूनिक लग रहा है विशाल, में बोला था ना तुझे बहुत अच्छा, ये देखो बहुत ज्यादा एक्टिव है। निकालो अंकल इसको। ये हो गया गाइज हमारा फ्लोरम पैकिंग। तो गाइज अभी हमारा जो फिफ्थ वाला फिश है, जो कि है भाई ब्रिस्टल लॉज प्लेको फिश। ये देखो भाई काफी ज्यादा यूनिक प्लेको फिश है यार ये, और बहुत ही सुंदर दिखता है भाई ये। ठीक है, तो ये लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी फैंसी प्लेको फिश को परचेस कर रहा हूँ। ठीक है ना, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, और ये काफी छोटे यार, और क्यूट भी लगेंगे यार हमारे सेटअप में। और मैं इनको रखने वाला हूँ भाई हमारे जो पॉन्ड है वाटर कैबेज का, तो वहाँ पे रखने का मेरा प्लानिंग चल रहा है। हाँ, ग्रोथ भी वहाँ पे जल्दी होगी, और वहाँ पे ब्रीड भी कर सकते हैं। ये देखो गाइस हमारे दो ब्रिस्टल नोज प्लेको फिश आ गए, और इनके नोज देखोगे ना भाई छोटे छोटे, इनके ऊपर ना टेंटिकल होते हैं, तो इसी की वजह से इनका नाम ब्रिस्टल नोज प्लेको फिश होता हुआ है, क्योंकि नॉर्मल प्लेको फिश के ऊपर तो ये नहीं होते, और इनके ऊपर छोटे छोटे से धब्बे भी होते हैं, और इनका लुक काफी ज्यादा यूनिक आता है। गाइस हमारे यहाँ से सारी शॉपिंग हो चुकी है, सिर्फ यार थोड़ा बहुत हमें फिश फूड वगैरह भी लेना है। ओके, यहाँ पे हमने सारे फिशेस वगैरह पैक कर दिए। ठीक है, तो चलो भाई इनको भी जल्दी जल्दी बॉक्स करते हैं, और जल्दी जल्दी वो जो फिश का फूड है वो भी ले लेते हैं। गाइस अभी हमें हमारे एक प्यारे से सब्सक्राइबर मिले, और मेरी और भाई की बहुत दिनों से एक डील चल रही थी फ्लोरन की फीमेल के ऊपर। ठीक है, और फाइनली आज वो मुझे रिसीव भी हो गई। भाई को मैं बोला था भाई तू कुर्ला आ जा, और भाई इतने दूर से मुझे मिलने आ गया, ठाणे में रहता ना तू। ओके ओके, जो फ्लोरन की फीमेल है ना अभी गई है पैकिंग होने के लिए, अभी आपको मैं वो डायरेक्ट घर पे दिखाऊंगा। चल थैंक यू यार भाई, मैं कब का ढूंढ रहा था, मुझे फीमेल फ्लोरन चाहिए थे मेरे मेल फ्लोरन को। चल थैंक यू थैंक यू थैंक यू अंकल। तो गाइज अभी हमारा लास्ट वाला फिश बचा है, जो कि है भाई ये वाली मॉलिस डालमेशन मॉलिस, बहुत ही ज्यादा यूनिक है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तीनों निकाल दो, ये तीनों तीनों। तो चलो गाइज अभी जल्दी जल्दी मैं पैकिंग करता हूँ, और ये लेके जाते हैं भाई हमारे सेटअप में। और ये देखो भाई इतना बड़ा फ्लोरन है।
तो गाइस फाइनली हम अभी घर पहुंच चुके हैं और विशाल कितने बजे है रात के? 3 बजे रात के। तो भाई अभी रात हो चुकी है ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि हमारी बस थोड़ी लेट हो गई तो इसी की वजह से हमें यार आने में ही लेट हो गया। और हमारे सारे फिशेज भाई एकदम ठीक ठाक है, एक भी फिश की डेथ नहीं हुई क्योंकि अभी हमने जस्ट चेक किए तो सारे के सारे फिश ठीक है। तो अभी दोस्तों कौन सा फिश कहाँ पे रहने वाला है ये तो अभी पूरा का पूरा हम नहीं ये कर सकते, तो मैंने सोचा कि यार हमारे जो रेंटल कैटफिश है तो ये यहाँ पे रख दे और जो ये शॉर्टनेट कैटफिश है तो ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ और जो बाकी की फिश है मैं उनको उनकी उनकी जगह पे छोड़ देता हूँ। जैसे कि बलून मौली है, ये वाली बलून मौली मैंने हमारे वाटर कैबेज के पॉन्ड के लिए लाए थे, चलो भाई इनको वहाँ पर ही छोड़ देता हूँ मैं। अभी पहले तो मैं एक्लिमेट करने के लिए यहाँ पर मैंने रख दिया ठीक है, और एक यहाँ पे फिश आने वाली है जो कि वो भी दिखाते हो भाई कौन सी है। और गाइज हमारे बलून मौली के साथ ये जो फ्लेको फिश है ब्रिस्टल नोज फ्लेको फिश, तो ये हमारे बलून मौली के साथ रहने वाली है। तो चलो गाइज इनका भी मैं पानी अभी एक्लिमेट करने के लिए रख देता हूँ। यहाँ पे रहने वाली है हमारी बलून मौली और उनके साथ रहने वाले भाई हमारे ब्रिस्टल नोज फ्लेको फिश, और ये बहुत अच्छे से यहाँ पे रहने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने हमारी सारे मौली फिश अनबॉक्सिंग कर दिए और ये देखो गाइस क्या ही प्यारे मौली भाई, ये डालमेशन मौली है दोस्तों, इसी की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये देखो गाइस इनकी साइज़ भी देखो भाई। तो चलो मैंने पहले दो मौली छोड़ दी यहाँ पे और बाकी की भी देखो भाई, इनका कलर देखो गाइस वाओ। चलो भाई ये देखो भाई ज़बरदस्त, भाई ये भाई। और दोस्तों बाकी की जो प्लेकोज है ना ये देखो भाई बहुत ज़्यादा एक्टिव है भाई ये प्लेको, बट दिखने में हमारे नॉर्मल प्लेको जैसी दिख रही है ये, क्योंकि अभी छोटी है ना, ये जब एडल्ट होगी ना तभी अलग लुक देने वाली भाई। ये देखो गाइस ये वो प्लेको है, ये देखो गाइस हमारा पहला वाला फैंसी प्लेको गया, बहुत ज़्यादा एक्टिव है भाई ये मौली देखो भाई भाई साहब। तो दोस्तों अभी हमारा जो प्लेको फिश है आप इसकी जो साइज़ है ये भी देख लो, अभी हमें ना भाई पूरे एक महीने के बाद इनका जो पानी चेंज करेंगे ना तब देखेंगे भाई इनकी साइज़ क्या हुई क्या ग्रोथ हुई ठीक है। और हमारे डालमेशन मौली भी देख लो ठीक है। और दोस्तों ये हो गया भाई हमारे वाटर कैबेज का पॉन्ड, यहाँ पे हमने डालमेशन मौली ऐड की है और कुछ ब्रिस्टल नोज प्लेको फिश ऐड किए और कुछ प्लांट्स भी देख सकते हो और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने। तो दोस्तों मैंने हमारे सेटअप के लिए और डम्बो एयर फिश लेके आ गया, क्योंकि ये वाले डम्बो एयर फिश मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए दोस्तों, तो भाई मैंने सोचा कि भाई मैं लेके आ गए जाऊँ। तो हमारे डम्बो एयर दूसरे डम्बो पहले वाले जो डम्बो एयर है ना उनके साथ ही रहने वाले हैं ठीक है। तो चलो गाइस इनका भी मैं ऑर्डर पहले शूट करा लेता हूँ भाई 10 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के बाद इनको मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। तो दोस्तों ये हो गए भाई हमारे डम्बो एयर गप्पीज जो कि अभी इनका ऑर्डर शूट हो चुका है। तो चलो गाइस मैं अभी इनको यहाँ पे छोड़ने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है भाई ये देखो गाइस इनका कलर देखो भाई, ये गए भाई हमारे पहले वाले डम्बोज, ये देखो भाई वो। फाइनली दोस्तों ये हमारा पूरा पॉन्ड हो चुका है अभी हमारे डम्बो ईयर गप्पी फिश का। तो चलो गाइस अभी और दूसरी फिश छोड़नी हमें। तो गाइस ये हो गई हमारी रेड टेल कैटफिश। तो दोस्तों ये हो गई भाई हमारी रेड टेल कैटफिश, काफी सारे भाई मुझे कह रहे थे भाई आपके सेटअप में आप रेड टेल कैटफिश ऐड करो, ये देखो यार फाइनली दोस्तों मैंने हमारे सेटअप में रेड टेल कैटफिश ऐड कर दी। तो चलो भाई इसको मैं अभी यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे दोस्तों हमारे पहली वाली रेड टेल कैटफिश, ये देखो गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल, तो पैटर्न भी देखो यार ये देखो भाई। तो चलो गाइस अभी मैं इन दोनों को भी यहाँ पे छोड़ देता हूँ।
तो दोस्तों ये हो गई भाई हमारी और एक मॉन्स्टर फिश जो कि है अरवाना, ठीक है, जो कि अभी हमारे एंजल फिश के साथ रहने वाली है एक दो दिनों के लिए। सारे मॉन्स्टर फिश के लिए मैंने अलग अलग टैंक सेटअप बनाया है। तो चलो भाई अभी मैं हमारी मॉन्स्टर अरवाना यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। तो ये फर्स्ट वाला दोस्तों हमारा अरवाना आ गया। ये आ गया हमारा सेकेंड वाला। ये देखो गाइस ये हमारे दोनों मॉन्स्टर आ गए। वाओ जबरदस्त। ये है दोस्तों हमारी सिल्वर अरवाना फिश। और जब तक हमारा मॉन्स्टर फिश रेडी नहीं हो जाता तब तक हमारी अरवाना रेडटेल कैट फिश बाकी की फिश यही पे रहने वाली है एक दो दिनों में। मतलब ये तो इसका जो काम है हमें कल ही स्टार्ट करना है भाई। इसका जब तक काम नहीं होता तब तक हमारे सारे फिशेज यही पे रहने वाली। तो गाइज अभी हमारी लास्ट दो फिश बची है जो कि है भाई फीमेल फ्लोरॉन और हमारी जो लास्ट वाली मॉन्स्टर मतलब जो टाइगर शॉर्नेट फिश है वो वाली। तो चलो भाई उसको भी मैं यहाँ पे इस वाले टब में छोड़ देता हूँ। गाइज ये वाली आ गई हमारी फर्स्ट वाली कैट फिश। ये देखो भाई ये तो इसका अलग ही रूप है भाई। ये मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। ये देखो गाइज ये हमारी मॉन्स्टर। वाओ जबरदस्त। ये देखो गाइस ये हमारी फाइनली आ गई है। दोस्तों अभी हमारी ये जो कैटफिश है तो ये यही पे रहने वाली है। जब तक हमारा मॉन्स्टर फिश का टैंक सेटअप नहीं हो जाता तब तक हमें कुछ भी नहीं करते आने वाला है, ठीक है ना भाई। विशाल कल है ना मॉन्स्टर फिश का काम स्टार्ट कर देंगे यार, ठीक है ना। उसी टैंक की वजह से हमारे सारे टैंक सारे काम भाई हमारे पेंडिंग है, ठीक है दोस्तों। तो चलो गाइस इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ। और आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक करना। हेलो सिम्बा कैसा था भाई दो दिनों के लिए? और लास्ट जो फिश बचा है भाई हमारा फ्लोरॉन की फीमेल जो कि हमारा ये मेल फ्लोरॉन हो गया दोस्तों। और अभी हमारे जो फीमेल फ्लोरॉन है तो मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ।